जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों आपका स्वागत है। नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, गुजराती में शेयर मूडीना व्यवहार। सबसे पहले बच्चों, जैसे आप क्लास में ऑफलाइन पढ़ते हो वैसे ही सारी थियरी में और पैच पे करूंगा, और उसके बाद बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी मैंने समझाया वो लिखा हुआ राइट करके आएगा, जो आपको राइट डाउन कर लेना है। अब कई बच्चे ऐसा समझते कि सर ये तो क्या है, कॉमर्स हमने पढ़ा हुआ है शेयर मूडीना व्यवहार और ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, पर बच्चों जो आपने 12th कॉमर्स में पढ़ा था इट इज अ 1% ऑफ टोटल सिलेबस, और 99% एडवांस लेवल आपको यहां बीकॉम के अंदर स्टडी करना है। चलो टॉपिक का नाम है, पहले थ्योरी समझ लेते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है शेयर। सबसे पहले आपको शेयर के प्रकार पता होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर इश्यूड बाय कंपनी, यानी ये टॉपिक बच्चों आप पढ़ने जा रहे हो इट इज रिलेटेड विद कंपनी। आपने देखा होगा फाइनेंस अकाउंट में जितने टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो या पढ़ रहे हो ऑल आर रिलेटेड विद कंपनी। तो बच्चों कंपनी के पास शेयर इश्यू करने की परमिशन है, सत्ता है, जो पार्टनरशिप फॉर्म और सिंगल ओनर के पास नहीं है। कोई छोटा बिजनेस हो, सिंगल ओनर हो या प्रोपराइटर हो या फिर पार्टनर हो, उसके अंदर कैपिटल कौन आता है बच्चों, बिजनेस का मालिक यानी पार्टनर या ओनर। पर बच्चों कंपनी के पास ऐसी सत्ता है बच्चों जिसमें कंपनी इश्यू कर सकती है शेयर, जिसके दो प्रकार है, एक इक्विटी शेयर दूसरा प्रेफरेंसेस। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है इक्विटी शेयर से। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर डिफरेंस क्या है, तो इक्विटी शेयर यानी ऐसे शेयर बच्चों जो बिजनेस के अंदर जो भी अर्निंग कर दिए कंपनी उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट या डिविडेंड में पार्ट लेते हैं, नुकसान हो या लॉसेस हो तो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। यानी इक्विटी शेयर यानी ऐसे शेयर जो कंपनी को इश्यू करने के लिए कंपलसरी है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इश्यू करना कंपलसरी है, लॉसेस हो तो सबसे ज्यादा लॉस वही बुक करते हैं, डिविडेंड हो प्रॉफिट हो तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही लेते हैं। यानी हमें जो वर्किंग सीखना है ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में इट इज रिलेटेड विद इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर। सेकंड है बच्चों प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी शेयर बोला जाता है। ये शेयर बच्चों इश्यू करना कंपलसरी नहीं है, जब कंपनी इस प्रकार के शेयर इश्यू करती है बच्चों तो सबसे पहले उसे डिविडेंड फिक्स दिया जाता है, और जब लॉसेस हो तो इक्विटी शेयर से पहले जो भी अर्निंग हो उसमें पार्ट दिया जाता है, और लॉसेस में भी सबसे लास्ट नुकसान का भाग दिया जाता है। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर सबसे सेफ होल्डर है, नुकसान हो तो सबसे पीछे, इनकम हो तो इक्विटी शेयर से आगे। यानी ऐसे शेयर जिसको डिविडेंड और प्रॉफिट में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती हो दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो अब बच्चों आपको स्टडी करना है शेयर कैपिटल, और मैं मीनिंग समझाने जा रहा हूं शेयर कैपिटल का, ध्यान से देखना। और जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर टू द पब्लिक इज नोन एज शेयर कैपिटल। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी द्वारा पब्लिक समक्ष शेयर इश्यू करके जो कैपिटल का कलेक्शन किया जाता है दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। एक कंपनी द्वारा जाहिर प्रजा समक्ष शेयर बाहर पाड़ी जे नाणानो भंडोळ उभो करवामां आवे छे તેને શેર મૂડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ઓર જો શેર કેપિટલ બચ્ચો ઇસકો છોટે છોટે પાર્ટ મે ડિવાઇડ કરો ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન સ્મોલ પાર્ટ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ શેર। તો શેર કેપિટલ કે સ્મોલ પાર્ટ્સ કો શેર કે નામ સે પહેચાના જાતા હે। ક્લિયર બચ્ચો, તો જબ કોઈ કંપની પૈસો કા કલેક્શન ચાહતી હે, બિઝનેસ શરૂ કરના ચાહતી હે, તો પબ્લિક કે સમક્ષ જો શેર ઇશ્યુ કરતી હે ઉસમે જો કલેક્શન મિલતા હે ઉસ પૈસો કા ઉસે કહા જાતા હે શેર કેપિટલ, ગુજરાતી મે શેર મૂડી। बच्चों जैसे शेयर के दो प्रकार आपने समझे, वैसे आपको शेयर कैपिटल के प्रकार पता होने चाहिए। ये सारे टाइप्स बच्चों ऑलरेडी आप 12th कॉमर्स में पढ़ चुके हो, कई बच्चे गुजराती में पढ़े होंगे, कई बच्चे इंग्लिश में, पर बच्चों एक बार रिवाइज करना जरूरी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले शेयर कैपिटल के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर मूडीना प्रकार। सबसे पहला प्रकार है बच्चों ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को गुजराती में कहा जाता है सत्तावार मूडी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऐसी शेयर कैपिटल है बच्चों जिसमें कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितनी कैपिटल इश्यू करेगी मैक्सिमम, वो बाउंड्री या लिमिट डिसाइड होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ज्यादा पता चलेगा। सपोज हमारी पेमेंट कंपनी है गोगो कंपनी, ठीक है, ये गोगो कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी को ड्यूरिंग द लाइफ 50,000 × 100 टोटल 50 लाख रुपए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी।
અને ટોટલ મૂડી કહેવાય જીવનકાળ દરમિયાન ઇશ્યુ કરી શકાય એવી રકમ. હવે સવાલ કરે બચ્ચો, અબ કંપની ને ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ 50 લાખ ડિસાઇડ કે 57 થી અબ ઉસમે સે કંપની અપની એટ પ્રેઝન્ટ હાલ માં ઇશ્યુ કે માત્ર 30000 સે 100 રૂપિયા માને ये जो 30 લાખ રૂપિયા વિશે કહેવાય જતા ઇશ્યુ શેર કેપિટલ બહાર પાડી લીધી પૂરે ચેપ્ટર કે અંદર જો ભી વર્કિંગ હોગા કેલ્ક્યુલેશન હોગા કિસકે ઉપર હોગા બચ્ચો ઇશ્યુ શેર કેપિટલ બહાર પાડી લીધી ઉપર. तो प्रश्न ये होगा जो बाकी बचे 20 लाख तो बालकों को कभी भविष्य में कंपनी इश्यू करेगी, एक साल के बाद दो साल के बाद जब पैसों की जरूरत पड़ेगी. चलो इसके बाद बच्चों सब्सक्राइब टू सेल कैपिटल. अब हम सबको बता दें गोगोगो की नई कंपनी है उसे बाहर के लोग जानते नहीं है. अगर टाटा कंपनी, रिलायंस या कोई अच्छी कंपनी से इश्यू कर दो लोग उसके साथ तुरंत खरीद लेते हैं, पर गोगोगो कंपनी कौन जानता है. मात्र ध्यान कॉमर्स के स्टूडेंट बच्चों तो ऐसी कंपनी को सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं मिलता है, नए लोगों को जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो 30000 से इश्यू ये समझो उसमें से सपोज मात्र 25000 से रुपए एप्लीकेशन आए, ये जो 25 लाख उसे कहा जाता है सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल हर आईडी मोदी गुजरात में, यानी 30 के सामने 5 और 25 यानी 5000 एप्लीकेशन का मेन कारण नए कंपनी लोगों को विश्वास कम है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब टू कैपिटल. आ एग्जांपल है कुछ बच्चों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा. चलो उसके बाद बच्चों कॉल्ड अप पेमेंट, उसमें से सब समझो बच्चों 25000 से पे कंपनी ने 80 रुपए मंगवाए तो 80 रुपए से कंपनी कॉल करे तो 20 लाख रुपए होगा कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल मंगा वेरी मोटी. अब ये 20 लाख में बच्चों 25000 से में 5000 से और एक शेयर का ऐसा था उसको पैसे से कम है उसने शेयर पे पैसे नहीं भरे तो 25 में से 5000 वाला पैसा ना भरे तो मात्र 20000 से पे 80 रुपए मिले. ये 16 लाख रुपए बच्चों पेड ऑफ कैपिटल वसूल आवेरी मोटे 5000 वाला शेयर होल्डर उसने पैसे नहीं भरे कारण मैंने बताया. फिर से बच्चों ऑथराइज कैपिटल टोटल कैपिटल इशू बाय कंपनी ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम 50 लाख जो गिनती में ले लिया जाता है उसमें से इशू के 30 लाख, 30 लाख में से सब्सक्राइब हो 25 लाख, 25 लाख में से कॉल किए 20 लाख, 20 लाख में से आए मात्र 16 लाख. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब बच्चों ऐसे दो वर्ड है जो लगभग प्रायः कॉमर्स में सबने सीखे होते हैं पर किसी को याद नहीं. रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, अनामत मोटी मोटी अनामत, अनामत मोटी मोटी अनामत. तो सबसे रिजर्व कैपिटल क्या है, तो रिजर्व कैपिटल समझाओ ध्यान से देखना दोनों लैंग्वेज में. रिजर्व कैपिटल कैपिटल का ऐसा पार्ट है बच्चों जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, मंगवाया नहीं और कंपनी फ्यूचर में भी मंगवाना नहीं चाहती है. इस प्रकार का जो पार्ट कंपनी रिजर्व के तौर पर रख रही हो कैश सरप्लस के कारण या प्रेस्टीज के कारण इसे रिजर्व कैपिटल कहा जाता है. चलो बच्चों छठा प्रकार है रिजर्व कैपिटल. और रिजर्व कैपिटल क्या होता है बच्चों, तो जब कोई कंपनी द्वारा शेयर कैपिटल का ऐसा पार्ट जो कंपनी ने अभी तक कॉल ना किया और कंपनी फ्यूचर में भी कॉल करना ना चाहे ड्यू टू सरप्लस कैपिटल पैसे ज्यादा हो या प्रेस्टीज के कारण या कंपनी को पैसे की जरूरत हो, इस प्रकार का जो भाग कैपिटल का कंपनी ने मंगवाया नहीं और भविष्य में नहीं मंगवा सकती है दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. बुढ़ी लो एवो भाग के जे कंपनी अत्यंत सुधी नहीं मंगा तो कंपनी भविष्य में नहीं मंगा फिर भी अनामत राखे बुढ़ी ने अनामत बुढ़ी कहवाए. एग्जांपल यार 25000 से उस पर कंपनी ने कितने 100 रुपए टोटल कैपिटल है, अब तक 80 रुपए कॉल किए. अब कंपनी को ऐसा लग रहा है बच्चों को 20 रुपए मंगवाने चाहिए तो कंपनी 25000 से रुपए ये जो 20 रुपए बाकी है 100 में से 80 गए नहीं मंगवाने का डिसीजन ले बच्चों तो 5 लाख रुपीस होगा रिजर्व कैपिटल अनामत बुढ़ी तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. अब कंपनी इसका उपयोग कब कर सकती है बच्चों, व्हेन कंपनी हैव अ डिसोल्यूशन विसर्जन था जाए कंपनी अब 5 लाख होंगे ऐसे दोस्त के इस बार कंपनी इसका यूज नहीं कर सकती बच्चों. उसके बाद है कैपिटल रिजर्व. जब भी कंपनी कोई बच्चों लॉन्ग टर्म एसेट लाइक फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी सेल कर दी है और सेल करने से जो प्रॉफिट रियलाइज होता है उसे कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट. एंड कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट स्टाइल में कर दिया था जे पे नफो था बच्चों ए नफो बी नफो के भाई अरे नफो बुढ़िए नाम खाते जाए या फिर ऐसा कह सकते हो शेयर कैपिटल के अंदर कोई शेयर होल्डर शेयर के ऊपर पैसे ना भरे और उसके शेयर जब्त किए जाए तो जब्ती के अंदर फोरफिटेड के अंदर जो भी शेयर की अमाउंट होती है बच्चों वो फोरफिटेड शेयर के अंदर जो भी प्रॉफिट आता है इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट. तो शेयर जब्त करते समय बच्चों कोई भी प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है और उसे कैपिटल रिजर्व बोला जाता है. इसलिए आपको लास्ट एंड ईयर याद होनी चाहिए जब शेयर फोरफिटेड हो शेयर जब्त करते आ रहे शेयर जब्ती खाते हो
So your forfeited account debited to capitalism. अब last entry करते थे. उसके बाद बच्चों शेयर के अंदर दो वर्ड होते हैं बच्चों शेयर इश्यूड एट प्रीमियम इश्यूड एट डिस्काउंट. ये दोनों आपको पता होगा. जैसे एक सेल की फेस वैल्यू 10 रुपए है और 2 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस से इश्यू है बच्चों, तो यहाँ जो 2 रुपए दैट इज परमिट फेस वैल्यू से ऊपर उसे क्या बोला जाता है प्रीमियम. और 10 रुपए का सेल हो बच्चों 1 रुपया कम प्राइस से इश्यू करें 9 रुपए में, तो 1 रुपए को बोला जाता है डिस्काउंट. फेस वैल्यू के लेस हो बच्चों तो डिस्काउंट, फेस वैल्यू ज्यादा हो तो प्रीमियम. पर अब बच्चों जो डिस्काउंट वाला पॉइंट है 2013 कंपनी एक्ट के अंदर कैंसिल्ड हो चुका है. कोई भी कंपनी 2013 एक्ट के मुताबिक डिस्काउंट बटा वाली शेयर बाहर पाड़ी सकती नहीं. तो आपको मात्र फेस वैल्यू या फिर प्रीमियम वाले सम एग्जांपल के अंदर स्टडी करते हैं. चलो उसके बाद बच्चों शेयर कैपिटल के ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं. तो कंपनी जो 100 रुपए होते हैं 80 रुपए नंबर एक पूरी प्रोसेस करती है शेयर होल्डर से. जो कंपनी के शेयर खरीदता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर. उसके अंदर कंपनी उसको 4 भाग में बांटती है. सबसे पहला है एप्लीकेशन, कुछ पैसे एप्लीकेशन के साथ अर्जी के समय बनवाती है. उसके बाद ऑन अलॉटमेंट, फिर उसे अलॉट किया जाता है, फिर समय मंजूरी के समय बनवाया जाता है. उसके बाद ऑन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, उसके बाद फिर उसके 2 टुकड़े करते हैं, पहला आपका दूसरा आपका, या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल. और उसके बाद जो शेयर होल्डर पूरे पैसे ना बोले उसके शेयर फोरफिट, फोरफिटेड को गुजराती में कहा जाता है शेयर जब्त, उसके शेयर जब्त किए जाते हैं. और लास्ट में बच्चों वो किसी और पर अलॉट किया जाता है दैट इज कॉल्ड री इशू. यानी 12 कॉमर्स का पूरा हुआ अर्जी मंजूरी पैरोक तो जब्ती हरी बार का इंग्लिश एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फोरफिटेड री इशू. ये पूरे ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं बच्चों. तो कोई बोले सर ये तो सेम टॉपिक हुआ, सेम नहीं है बच्चों. जहां 12 कॉमर्स में टॉपिक स्टडी किया था वहां लेवल एकदम डाउन था 1% या लेवल हाई. यहां आपको जो इसके अंदर पॉइंट पढ़ना है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड में उसका नाम है प्रोरेटा अलॉटमेंट. अब आपके माइंड में ये होगा सर ये प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या है. तो बच्चों प्रोरेटा अलॉटमेंट को गुजराती में बोला जाता है सेमी प्रमाण सरकार में. पहले मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं. आपने अपने घर में खाने के लिए 1000 पर्सन को बुलाया, कितने लोगों को 1000 आदमी को बुलाया. अब आपको पता चला कि आपके पास 3000 पर्सन खाने को आए 10 मिनट पहले. अब 1000 लोगों का खाना बना और बच्चों 3000 लोग आ जाए तो क्या स्थिति होगी, अफरा तफरी हो जाएगी. बस यही परिस्थिति आपको प्रोरेटा में करनी है. बोलो इसमें क्या करोगे आप. तो पहले एक जन को सर 2000 बना पार्टी होती है. अब बच्चों तो गुजरात में रहते हैं, गुजरात में हम बोलते हैं अतिथि देवो भव. अतिथि देवो में बच्चों हम लोग जय माता दी बोलते हैं, मेहमान को भगवान समझते हैं. तो हम करने निकाल दो रास्ता गलत हम निकालेंगे. दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों हर व्यक्ति के लिए हमने 4 रोटी या 4 चपाती काउंट करी है तो हम सबको बोलेंगे भाई 2-2 बांट के खा. ठीक है, किसी को बोलेंगे 4-2 बांट के खा. हम क्या करेंगे 1000 आदमी का भले खाना बना पर 3000 आदमी को थोड़ा थोड़ा बांट के खिला देंगे. ठीक है, हाँ होटल से लाने का ऑप्शन नहीं बच्चों क्योंकि 10 मिनट पहले आ गए 3000. तो इस प्रकार का बच्चों 1000 पर्सन का खाना बना और 3000 लोगों को खिलाओ ना उसे बोला जाता है प्रोरेटा डिस्ट्रीब्यूशन. सेम यहाँ आपको शेयर में करना है. सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए और कंपनी को एप्लीकेशन मिली है बच्चों 20,000 शेयर की. ये एप्लीकेशन मिली है, नियम यह है कि आपने 10,000 शेयर इश्यू किए हो बच्चों तो 10,000 शेयर से ज्यादा से कंपनी शेयर होल्डर को अलॉट नहीं कर सकती. 1000 लोगों का खाना बना और उससे ज्यादा खाना कैसे खिलाओगे आप. तो सेम पोजीशन है बच्चों, तो 20,000 शेयर वालों को आपको मात्र 10,000 शेयर अलॉट करने हैं. तो इस प्रकार के बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो टेक्निक है ज्यादा शेयर वालों को कौन से करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोरेटा डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे 20,000 वाले को 10,000 दोगे 0 निकाल दो तो ये 0 गए यानी 2 वाले को 1. यानी जो बच्चा आपके पास सामने शेयर होल्डर 2 से मान लो उसे आप कितना शेयर दोगे 1. तो ये जो प्रमाण है बच्चों उसे बोला जाता है प्रोरेटा डिस्ट्रीब्यूशन. 2 रोटी खा दो उसको बोलोगे 1 रोटी खा 2 से करो 1 दोगे. तो बच्चों प्रोरेटा अलॉटमेंट में मीनिंग ये भी मैं समझा रहा हूं. व्हेन कंपनी इश्यूड शेयर फॉर पब्लिक, व्हेन कंपनी इश्यूड शेयर फॉर पब्लिक एंड कंपनी रिसीव्ड मोर एप्लीकेशन इन कंपैरिजन विद इश्यूड शेयर. जब कंपनी द्वारा पब्लिक के समक्ष शेयर इश्यू किए हुए हो और कंपनी को मोर एप्लीकेशन रिसीव हुए कंपैरिजन विद इश्यूड शेयर देन कंपनी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस शेयर इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन. तब कंपनी को इस प्रकार के शेयर पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है दैट इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट. और ये पार्ट बच्चों
यानी मेरी भाषा बोलो बच्चों, तो आप ट्वेल्थ में जो पढ़ा था आपके लिए नदी खाबोशिया कहना है, यहाँ आपको समंदर पर डुबकी लगा दी और आपको पता होगा समंदर की कोई बाउंड्री नहीं होती है। चलो बच्चों इसके बाद अकाउंटिंग एंट्री फॉर सेल कैपिटल ट्रांजेक्शन, उसकी एंट्री बच्चों सेम है जैसे आपने पढ़ा था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अर्जिना नाड़ा बड़े क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक खाते होगा ते शेयर अर्जी खाते शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यानी एंट्री वही होगी बच्चों कॉन्सेप्ट वही होगा पर ये जो प्रोरेटा वाला लोचा होगा बच्चों तो समझेंगे कैसे तो हमेशा बच्चों ध्यान कॉमर्स अपनी एक अलग टेक्निक बनाता है तो ये प्रोरेटा टेक्निक समझने के लिए बच्चों मैंने स्पेशल तीन टेबल टेक्निक यूज किए नॉट नंबर वन में टेबल बनाएंगे नॉट नंबर टू में टेबल बनाएंगे नॉट नंबर थ्री ये टेबल मैजिकल टेबल होगा जिसके अंदर आप कोई भी अमाउंट फिक्स करोगे सबकी आंसर सेट हो जाएगा ये आपको कहीं टेक्स्ट बुक में देखने नहीं मिलेगा ना कहीं आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा तो ट्रांजेक्शन सेल चैप्टर में बच्चों प्रोरेटा का पूरा पार्ट आपको मैं एकदम एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा भले आपने चैप्टर पढ़ा होगा इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंट के अंदर जो मैंने समझ आती है वो मे बी राइटिंग समझ आया बच्चों तो पावर पॉइंट के अंदर राइट डाउन करने के लिए लिखा हुआ तैयार रहेगा उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है टेबल क्या जाता है वो सब आप देख सकते हो और उसके सिवा बच्चों मटेरियल कॉपी में भी मैंने ये प्रोरेटा अलॉटमेंट एंट्री और टेबल सब दे दिया है यानी बच्चों थियरी समझाई मैंने इसके बाद पावर पॉइंट के अंदर आप स्लाइड में समझोगे और घर पे आपके पास मटेरियल कॉपी भी मैंने लिखा हुआ रखा है और फिर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों बेसिक सम जिससे आपका 12 कॉमर्स का जो भी वर्क है रिवाइज हो जाएगा। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर बच्चों फाइनेंस अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शेयर मुइना व्यवहारों जिसका नॉमिनल पार्ट आपने 11th 12th कॉमर्स में स्टडी कर लिया है। ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल टॉपिक समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें बिजनेस के तीन प्रकार पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रकार है बिजनेस का सिंगल ओनर प्रोपराइटर बिजनेस, सेकंड पार्टनरशिप फर्म एंड थर्ड कंपनी। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल टॉपिक जुड़ा हुआ है कंपनी से ही हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैं कंपनी का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। मीनिंग ऑफ कंपनी, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ with a fixed capital divisible into transferable shares under common seal। यानी joint stock company ऐसी कंपनी है बच्चों वो artificial person है कृत्रिम व्यक्ति है कायदा द्वारा उसका जन्म होता है बच्चों fixed capital के साथ और जिसको share में divide किया जाता है common seal के अंदर that is called joint stock company। Now in paragraph the minimum number of members in private company is 2 एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 यानी मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए तो मैक्सिमम नंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 50 एंड पब्लिक कंपनी नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट 50 है बच्चों और पब्लिक के अंदर कोई लिमिट नहीं है तो दिस इज कॉल्ड बेसिक फंडामेंटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है शेयर कैपिटल के अंदर शेयर तो नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ शेयर। अब मैं आपको शेयर का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ। The capital of a company is divided into units, it's called share। कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है बच्चों वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होती है जिसे कहा जाता है शेयर्स। The capital of company is divided into units, that is called shares। मीनिंग ऑफ शेयर समझने के बाद बच्चों शेयर के प्रकार हमें पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ शेयर्स, सबसे पहला प्रकार है इक्विटी शेयर, सेकेंड प्रेफरेंस शेयर एंड थर्ड डिफर्ड शेयर्स। अब बच्चों डिफर्ड शेयर कंपनी लॉ ने कैंसिल कर दिए तो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको दो ही शेयर याद रखने हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर किसे कहा जाता है बच्चों उसका मीनिंग समझते हैं। इन्वर्टेड कोट में अ शेयर इश्यूड विच इज कंपल्सरी फॉर कंपनी फॉर स्टार्टिंग कंपनी विच इज नॉट हैव प्रायर राइट फॉर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। यानी ऐसे शेयर बच्चों जो कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इश्यू करना जरूरी है कंपल्सरी है जिसे बच्चों डिविडेंड में और कैपिटल के पेमेंट में प्रायर यानी प्रायोरिटी नहीं दी जाती यानी सबसे लास्ट में पेमेंट दिया जाता है इस प्रकार के शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर्स और इस प्रकार के शेयर को इक्विटी शेयर कहा जाता है।
सेकंड मीनिंग बच्चों मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और शेयर विच हैव प्रायर राइट फॉर डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अदर देन इक्विटी शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंसेस। ऐसे सर बच्चों जिसको डिविडेंड के लिए और कैपिटल के रीपेमेंट में इक्विटी शेयर से पहले प्रायोरिटी दी जाती हो बच्चों, तो इस प्रकार के शेयर को प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है, गुजराती में इसे पसंदीदा शेयर भी कहा जाता है। तो ये दो मेन प्रकार है बच्चों शेयर के। शेयर के मीनिंग समझने के बाद बच्चों अब ट्रांजेक्शन और शेयर कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मीनिंग बच्चों इनवर्टेड कोट में, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर टू द पब्लिक इज नोन एज शेयर कैपिटल। कंपनी द्वारा बच्चों पब्लिक के समक्ष शेयर इश्यू करने से जो कलेक्शन होता है कैपिटल का उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है सेकंड लैंग्वेज में, और फंड्स जनरेटेड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल, यानी जो फंड पैसे शेयर द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू शेयर्स दैट इज वाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। कंपनी डिवाइड होती है बच्चों छोटे छोटे पार्ट ऑफ शेयर्स में, दैट इज वाई उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। आफ्टर दैट बच्चों अब शेयर कैपिटल का एक एक प्रकार आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, उसका डीप में वर्क बच्चों मैंने मटेरियल कॉपी में डाला हुआ है, तो यहाँ खाली आपको एग्जाम्पल के साथ मीनिंग समझा रहा हूँ जो ऑलरेडी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सत्तावर मुड़ी, ऐसी कैपिटल बच्चों जो कंपनी अपने लाइफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टोटल इश्यू कर सकती है उसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहा जाता है। जैसे एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है बच्चों, वो मार्केट में नहीं आने वाली है, वो कंपनी ने डिसाइड किया कि अब टोटल कंपनी को 50 लाख रुपए की फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी ने अपनी ऑथोराइज कैपिटल टोटल कैपिटल डिसाइड की 50,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए फेस वैल्यू इक्वल टू 50 लाख, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज शेयर कैपिटल, गुजराती में उसे सत्तावर मूड़ी कहा जाता है। सेकेंड इश्यूड शेयर कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल बच्चों बाहर पाड़ली मूड़ी। एग्जाम्पल जैसे 50,000 शेयर की टोटल फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, पर अभी बच्चों कंपनी को मात्र 30,000 शेयर पे 100 रुपीज यानी 30 लाख रुपीज की जरूरत है, तो कंपनी ने इश्यू किए 30 लाख रुपीज के शेयर, दैट इज कॉल्ड इश्यूड शेयर कैपिटल। जो भी कैलकुलेशन हमें ट्रांजेक्शन और शेयर कैपिटल में करना है बच्चों वो इश्यूड शेयर कैपिटल पे किया जाता है, ऑथोराइज कैपिटल के नीचे दो अंडरलाइन की जाती है जिसको टोटल में कभी गिना नहीं जाता है। उसके बाद है बच्चों तीसरा प्रकार, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यूट्यूब में भी आपने सब्सक्राइबर वर्ड सुना होगा भराइली मुड़ी। अब हमने 30,000 शेयर इश्यू किए बच्चों, पर एक्स लिमिटेड नई कंपनी है, उसको मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, मात्र 25,000 शेयर पब्लिक ने खरीदे, तो 25,000 शेयर पे 100 रुपए रिसीव होंगे फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कारण बच्चों कंपनी नई हो तो उसको 100% रिस्पांस नहीं मिलता है, कई बार कम मिलता है, तो 25,000 शेयर 30 में से 25,000 शेयर पब्लिक ने खरीदने वाली है, 100 रुपए प्राइस, टोटल 25 लाख रुपए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद बच्चों कंपनी जब भी शेयर कैपिटल के पैसे मंगवाती है उसकी कुछ प्रोसेस करती है, सपोज उसमें से कंपनी ने कॉल्ड अप मंगाए 25,000 शेयर पे 80 रुपए यानी 20 लाख रुपए, तो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। ये बच्चों एग्जाम्पल साइड में लिखने का पर्पज ये है कि आपको जो टाइप्स है वो आराम से समझ आए। उसके बाद है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पांच नंबर, पेड अप कैपिटल। 25,000 शेयर में से बच्चों 80 रुपए बढ़ते समय 5,000 शेयर वाला एक शेयर होल्डर कनुभाई उसने शेयर के पैसे नहीं भरे बच्चों, तो 25 में से 5 चले गए, हमें मात्र 20,000 शेयर पे 80 रुपए यानी 16 लाख रुपए रिसीव हुए, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल, वसूला वाली मुड़ी। ये पांचों प्रकार को बच्चों अच्छी तरह समझो, जैसे ऑथराइज कैपिटल 50,000 शेयर इंटू 150 लाख मात्र अंडरलाइन, फ्यूचर कैपिटल उसमें से इश्यू किए प्रेजेंट में 30 लाख, उसमें सब्सक्राइब किए मात्र 25 लाख, उसमें से कॉल किए 20 लाख और शेयर होल्डर ने भरे मात्र 16 लाख। इस प्रकार से बच्चों ये शेयर कैपिटल के प्रकार आपको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इश्यूड कैपिटल जिसके ऊपर हमारा वर्किंग होगा। ट्रांजेक्शन और शेयर कैपिटल में बच्चों टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में अब लास्ट दो ऐसे प्रकार है जिसका मीनिंग आपको कहीं ना कहीं ट्वेल्थ में सिखाया गया पर आप सब भूल गए होंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, मुडी अनामत एंड रिजर्व कैपिटल। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है बच्चों, जब भी कोई लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट सेल करने से जो भी प्रॉफिट कंपनी को अराइज होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इन शेयर कैपिटल अगर कोई शेयर होल्डर शेयर के पैसे ना भरे
तो उसके शेयर जब्त किए जाते हैं, फोरफिट किए जाते हैं, और उसके ऊपर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट। तो इस प्रकार से बच्चों कोई असेट्स बेचने से प्रॉफिट हुआ हो या कोई शेयर फोरफिट करने से, जब्त करने से कोई भी प्रॉफिट हुआ हो, वो कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद है बच्चों रिजर्व कैपिटल, अनामत मोटी, दोनों रिवर्स वर्ड के बच्चों। रिजर्व कैपिटल ऐसी कैपिटल है बच्चों जिसमें कंपनी ने जो भी शेयर इश्यू किया उसमें जितना कॉल बाकी हो वो कॉल कंपनी नहीं मंगवाने का डिसीजन लेती है, और वो पैसे मात्र डिसोल्यूशन यानी लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवा सकती है। तो इस प्रकार की कैपिटल जिसको कंपनी ने रिजर्व के तौर पर रखा है उसे रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, 30,000 शेयर पे 80 रुपये हमने मंगवाए हुए, सपोज 20 रुपये बाकी है, वो कंपनी रिजर्व कर दे, उसको नहीं मंगवाने का डिसीजन ले, कारण कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो 30,000 शेयर पे जो 20 रुपये कंपनी ने कैंसिल किए दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। अब ये कैपिटल कंपनी मात्र अपने डिसोल्यूशन विसर्जन के टाइम पे यूज कर सकती है, बाकी कोई भी समय पे रिजर्व कैपिटल यूज नहीं हो सकता है। तो ये हुए बच्चों आपके शेयर कैपिटल के 7 प्रकार। इसका डीप में एनालिसिस मैंने मटेरियल कॉपी में ऑलरेडी बच्चों रखा हुआ है। उसके बाद है बच्चों ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब भी शेयर कैपिटल मंगवाने की प्रोसेस करती है कंपनी, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटा जाता है। जैसे सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन, अर्जी वक्त कई पैसा मंगावे, ऑन अलॉटमेंट मंजूरी के समय, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डर ना भरे पैसे तो फोरफिटेड ऑफ शेयर, और लास्ट में ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों आपको याद रखना है, आपको जो टॉपिक के अंदर ट्रांजेक्शन पढ़ना है इट इज रिलेटेड विद इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉट फॉर प्रेफरेंसेस। तो एन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल कॉल, फोरफिट, री इश्यू, ये पूरा पोर्शन गुजराती और हिंदी में, इंग्लिश में कई बच्चे 12th कॉमर्स में पढ़ के आए, पर अब बच्चों यहाँ जो लेवल होगा शेयर कैपिटल का वो एडवांस होगा, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद बच्चों शेयर कैपिटल के ट्रांजेक्शन में शेयर इश्यू करते समय 2 वर्ड यूज होते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। मोस्टली आप सबको बताया बच्चों प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, फिर भी मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जैसे पहले रो में आया विथ प्रीमियम, जैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपये और 2 रुपये प्रीमियम से इश्यू करे 12 रुपये प्राइस हो तो उसमें हुआ 2 रुपया प्रीमियम। डिस्काउंट में बच्चों फेस वैल्यू से लेस प्राइस होती है, जैसे 10 रुपये प्राइस हो इश्यू किया 9 रुपये से तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, पर 2013 का जो कंपनी एक्ट है बच्चों उसमें डिस्काउंट वाले शेयर कैंसल्ड हो चुके हैं, अब कोई कंपनी डिस्काउंट से इश्यू नहीं कर सकती। यानी आपको एक ही पढ़ना है बच्चों, फेस वैल्यू वाला 10 रुपये वाला या प्रीमियम से 12 रुपये। तो फेस वैल्यू के ऊपर जितना प्राइस होगा इट इज कंसिडर एज अ प्रीमियम। अब हमें ट्रांजेक्शन और शेयर कैपिटल में बच्चों 12 कॉमर्स में पढ़ा हुआ टॉपिक फिर से एफआई में पढ़ना है तो इसका मीनिंग ये सेम नहीं है बच्चों। इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आपको पढ़ना है जो 12 कॉमर्स में आपने नॉमिनल यूज किया, दैट इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट, शेरनी प्रमाणसर फरौनी। अब ये प्रोरेटा क्या होता है बच्चों, पैराग्राफ में मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। व्हेन कंपनी इश्यूड शेयर फॉर अ पब्लिक एंड कंपनी रिसीव्ड मोर शेयर एप्लीकेशन देन इश्यूड शेयर देन कंपनी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट shares to shareholder in some particular proportion which is known as pro rata allotment। जब कंपनी द्वारा पब्लिक के लिए शेयर इश्यू किए जाते हैं बच्चों, कई बार कंपनी को जो भी शेयर इश्यू को इसकी कंपैरिजन में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मिलती है, तो इन दिस कंडीशन कंपनी को उसको प्रोपोर्शनेट रेशियो में प्रमाणसर रूल्स यूज करके शेयर होल्डर के बीच में बांटना है। ये बांटने की प्रक्रिया को प्रोरेटा अलॉटमेंट, शेरनी प्रमाणसर फाड़वनी कहा जाता है। अब ये क्या है बच्चों, तक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज गोगो कंपनी, ध्यान कॉमर्स की फेवरेट कंपनी, गोगो कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर टू अ पब्लिक एंड कंपनी रिसीव्ड 40,000 शेयर एप्लीकेशन। ओह, कंपनी को बच्चों 10,000 के सामने 40,000 शेयर इश्यू है, सो कंपनी विल गिव शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:1 मींस 4 एप्लीकेशन इक्वल टू अलॉटेड शेयर 1। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। यानी कंपनी ने बच्चों 10,000 शेयर इश्यू किए हो और पब्लिक ने 40,000 शेयर पे अप्लाई किया हो, तो रूल्स यही है बच्चों, इश्यूड शेयर से ज्यादा शेयर कंपनी नहीं दे सकती। तो 10,000 के सामने 40,000 एप्लीकेशन, यानी 4 के सामने 1 कह सकते हैं, यानी जो बंदे ने 4 शेयर मांगे होंगे उसे कंपनी 1 शेयर अलॉट करेगी, दैट इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। उसके बाद बच्चों जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी। प्रोरेटा अलॉटमेंट के बाद शेयर कैपिटल की एंट्री 12th कॉमर्स में आपने पढ़ा था वैसे ही है बच्चों, वो जनरल एंट्री
बुक्स के अंदर से या मटेरियल कॉपी में से आप पढ़ सकते हो। मटेरियल कॉपी में पेज नंबर 53 के ऊपर सारी थियरी बच्चों एंट्री की मैंने लिखी हुई है। फिर भी बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको एंट्री समझाने वाला हूं। ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं जनरल एंट्री, जो ऑलरेडी मटेरियल कॉपी में दिया हो बच्चों, पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जिसका यूज हमें टॉपिक में बार बार करना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन होगा एंट्री नंबर 1, वेयर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिकवर्ड या रिसीव्ड, जारे अर्जीना नाणा मळे त्यारे, पैसे मिले तो क्या एंट्री करेगी कंपनी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन प्राइस। इस प्रकार से बच्चों पहली एंट्री करेंगे। ये तो ऑलरेडी आपने आगे पढ़ा हुआ है 12th में बच्चों, पर इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड वर्क आएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड एंट्री, व्हेन शेयर अलोटेड और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन के पैसे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें एप्लीकेशन की मेन प्राइस अलॉटेड शेयर में ट्रांसफर होगी। सेकेंड, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसके अंदर अगर कई बार शेयर होल्डर अलॉटमेंट का एडवांस पैसा भरता है वो यहाँ इसके अंदर ट्रांसफर करना है। उसके बाद बच्चों टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कोई बंदे ने कॉल के एडवांस पैसे भरे हो तो भी यहाँ कॉल मनी की वैल्यू लिखनी है। और उसके बाद बच्चों कई शेयर होल्डर को कंपनी शेयर अलॉट नहीं करती, उसे रिफंड करती है, तो बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड होंगे। ये पूरा वर्क बच्चों जब सम स्टार्ट होगा तो आपको समझ आएगा। अभी खाली आप मेमोराइज करो, जो जो बच्चे गुजराती में पढ़ो इंग्लिश वर्ड समझने की कोशिश करो। तीन नंबर, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, जारे मंजूरीना नाणा मंगवाए। एप्लीकेशन के दो पार्ट हुए बच्चों, अब अलॉटमेंट की एंट्री। अब अलॉटमेंट से बच्चों हर एक एंट्री में पहले पैसे कैपिटल में जाएंगे। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, गुजराती में याद हो तो शेयर मंजूरी खाते उधार, जिसमें नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट प्राइस, मंजूरी ना शेयर गुणिया मंजूरी नी रकम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको याद हो बच्चों तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे लेना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ गिवन। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 3। आफ्टर दैट अब 4 नंबर में ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल गेन की स्मूथली जाएगी, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब बच्चों जो आपने शेयर अलॉट किया उसके ऊपर पैसे रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब भी पैसे मिले तो सेम एंट्री बच्चों, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब 5 नंबर में बच्चों, व्हेन कॉल मनी इज ड्यू, जब फर्स्ट कॉल या कॉल के पैसे मंगवाए जाए, शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कॉल में बच्चों फर्स्ट कॉल होता है ऐसी दो बार एंट्री करोगे, सेकंड कॉल हो तो फिर से करोगे, इन शॉर्ट कॉल की एंट्री है कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 6 नंबर में बच्चों, व्हेन कॉल मनी रिसीव, जैसे कि फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के पैसे रिसीव हो, पैसे रिसीव हो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल इन एडवांस हो तो यहाँ बच्चों डेबिट कर याद रखना है। इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की एंट्री कंप्लीट हुई। एंट्रीज बच्चों 12 की तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं है, एंट्रीज का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मेन हमें टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन सीखना है। अब ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में बच्चों डेंजरस पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो आपने 12th में बहुत ही लोअर लेवल पे पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड फोरफिटेड, व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड, जिसके अंदर बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब तक आपने हर एक एंट्री में शेयर कैपिटल को जमा किया, पर जब शेयर जब्त होते हैं तो हम पैसे वापस लेते हैं, तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ब्रैकेट में फोरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, अगर कोई पर्सन ने प्रीमियम ना भरा हो तो प्रीमियम भी यहाँ डेबिट करना है। उसके बाद टू, अब क्रेडिट में बच्चों ध्यान से देखना, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट ब्रैकेट में अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड, से भरे हुए पैसे हमें फोरफिटेड या फोरफिचर अकाउंट में लेने हैं शेयर जब्ती खाते। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसके अंदर अनपेड अमाउंट, जो पैसे ना भरे हुए अलॉटमेंट में जाएंगे। उसके बाद टू शेयर कॉल अकाउंट, जिसके अंदर भी अनपेड अमाउंट हमें डालनी है। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है बच्चों 7 नंबर का, जो मैं आपको बहुत ही इजी तरह एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको जस्ट एंट्री पे नजर डालनी है। Now we are taking next entry, entry number 8, mostly second last entry,
व्हेन फोरफिटेड शेयर रीइश्यू, जारे जब्त करेला शेयर फरी बाहर पाड़वामां आवे। तो बच्चों पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जिसके अंदर जो भी अमाउंट रिसीव वाले हैं उसकी एंट्री। उसके बाद बच्चों शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, जिसमें फेस वैल्यू से कम प्राइस हो तो जो डिस्काउंट का पार्ट है यहाँ हमें लिखना है। उसके बाद फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, इसके अंदर बच्चों जितना आगे डिस्काउंट दिया हो सेम फोरफिटेड के अंदर हमें लिखना है, या क्वेश्चन मार्क में वैल्यू मिलेगी बच्चों। टेक्निकली प्रैक्टिस में हम इसको देखेंगे। उसके बाद क्रेडिट में टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें फोरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कई बार री इश्यू प्रीमियम से हो तो प्रीमियम की वैल्यू हमें क्रेडिट करनी है। उसके बाद टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कई बार बच्चों पार्टली पेड कॉल और कंपनी ने पूरे पैसे मंगवाए तो कॉल इन एडवांस वर्ड आएगा बच्चों। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा। अभी आपको कॉल इन एडवांस मिला हो तो क्रेडिट करना है। इस प्रकार से बच्चों ये आपकी 8 नंबर की हैवी एंट्री पूरी हुई। जो भी ब्रैकेट में मैं दिखा रहा हूँ बच्चों ब्लू पेन से, ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हेन वी आर टेकिंग फुल क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, पर यहाँ बच्चों थोड़ा सब्र रखना और एंट्री राइट डाउन करनी है। नाउ वी आर टेकिंग ट्रांजेक्शन और शेयर कैपिटल लास्ट एंट्री 9 नंबर, जिसमें बच्चों व्हेन द अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फोरफिटेड शेयर अकाउंट, जब बच्चों फोरफिटेड शेयर अकाउंट की अमाउंट ट्रांसफर की जाती है, कहाँ की जाती है, तो उसकी एंट्री होती है फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है बच्चों, इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो दिस इज द टोटल 9 एंट्री वी हैव टू यूज्ड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। Now we are taking note number 1, when pro rata is given in the sum, जब बच्चों example में आपको pro rata दिया गया हो, उसके लिए बच्चों एक special table में आपको draw करवाऊंगा, जो आपने 12th पे भी नहीं देखा होगा, even कहीं भी नहीं देखा होगा, ये special CBSE या advanced level के लिए है, table showing pro rata distribution, जिसमें हमें बच्चों distribution करना है। सबसे पहले आएगा particular, उसके बाद बच्चों application received, उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर अलोटेड, उसके बाद एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ शेयर अलोटेड इन ब्रैकेट शेयर कैपिटल, आफ्टर दैट ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस, उसके बाद बच्चों कॉल के अंदर कॉल इन एडवांस, जिसके अंदर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल और लास्ट में बच्चों बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड। अब ये बच्चों टेबल खाली अभी आपको वर्ड समझाने के लिए, प्रैक्टिकली इसको यूज करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। इसके अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन होगा रिफंड का, उसके बाद आएगा बच्चों फुल अलॉटमेंट, उसके बाद आएगा बच्चों प्रोरेटा अलॉटमेंट। इस प्रकार से पूरा टेबल फुलफिल होगा बच्चों, लास्ट में टोटल होगा, उसके बाद कोई पर्सन नीचे वर्किंग करना है। अगर शेयर होल्डर एक्स हु इज नॉट एबल टू पे अलॉटमेंट मनी, जब कोई बंदा अलॉटमेंट मनी से आगे कुछ भी नहीं भरेगा, तो उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ टेबल के अंदर करना है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर वर्किंग में आपको करवाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल है बच्चों, जिसके ऊपर आपको विजय करना है। इवन टेक्स मूवी में आप देखोगे बीकॉम के एग्जाम्पल में भी ये टेबल नहीं दिया हुआ है। तो दिस इज द स्पेशल इन्वेंशन बाय ध्यान कॉमर्स, जिसका यूज करके मैं आपको बच्चों प्रोरेटा सिखाऊंगा। आफ्टर दैट बच्चों ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में सेकेंड नोट हम प्रिपेयर करेंगे, नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनपेड मनी बाय शेयर होल्डर। जब कोई शेयर होल्डर बच्चों पैसे नहीं भरेगा तो उसका हम वर्किंग करेंगे टेबल में, जैसे कि पर्टिकुलर्स, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, अमाउंट पेएबल, सबसे पहले शेयर होल्डर को जो पैसा पेड करना है उसमें से बच्चों लेस एडवांस पेड, उसने सही कई बार एडवांस पेड किया होता है, लास्ट में ऑटोमेटिक मिल जाएगा अनपेड मनी। ये हो गया बच्चों आपका नोट नंबर 2, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर। नाउ ट्रांजेक्शन और शेयर कैपिटल बच्चों, अब हम देखने रह जाए सबसे इंपॉर्टेंट टेबल फॉर नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड। जो बच्चों बैंक अकाउंट में आपको एंट्री करनी है उसकी अमाउंट के लिए स्पेशल टेबल ड्रॉ करना है, जिसके अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर्स, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, उसके अंदर बच्चों सबसे पहले अमाउंट रिसीवेबल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल की जो अमाउंट रिसीव वाली वो लिखेंगे, उसमें से बच्चों डिडक्ट करेंगे अनपेड अमाउंट,
ऑफ शेयर होल्डर एक्स, नोट नंबर टू में हमने जो वर्क किया उसमें से एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू जो भी अनपेड है बच्चों वो लेस करेंगे। उसके बाद नोट नंबर वन में हमें एडवांस मनी रिसीव हुआ है प्रोरेटा टेबल में, तो वो एडवांस रिसीव्ड मनी लेस करेंगे बच्चों। ये सब डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट रिसीव्ड। तो ये टेबल द्वारा बच्चों हमें बैंक के अंदर जो भी एंट्रीज करनी है पैसे रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, इसका सारा अमाउंट बच्चों ये टेबल से हमें रिसीव होगा। और लास्ट में बच्चों मोस्टली बीकॉम सेमेस्टर वर्क के अंदर फोरफिटेड शेयर अकाउंट मांगा जाता है, तो हम प्रिपेयर करेंगे नोट नंबर वन में फोरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसके अंदर सबसे पहले डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बच्चों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्रेडिट साइड शेयर कैपिटल अमाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग करेंगे, और उसके बाद डेबिट साइड डिफरेंस में हमें बच्चों जो लास्ट एंट्री है फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल इज वो यहाँ डिफरेंस में रिसीव होगा। इस प्रकार से बच्चों फोरफिटेड अकाउंट थ्रू हम लोग लास्ट एंट्री का अमाउंट फाइंड करेंगे। पर बच्चों अभी तो आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर प्रैक्टिकली जब वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। हियर नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड माइनस नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड विच आर नॉट रीइश्यूड, ऐसा कुछ आपको वर्किंग में लेना है। उसके बाद बच्चों जो जनरल एंट्री है उसमें टेबल कैसे यूज होगा देख लो। जनरल एंट्री नंबर वन टू इज मेड फ्रॉम प्रोरेटा टेबल, जो आपने प्रोरेटा टेबल अभी देखा वो नॉट नंबर वन में से बच्चों पहली दो एंट्री होगी। उसके बाद जर्नल एंट्री नंबर 3, 4, 5 and 6 मेड फ्रॉम नॉट नंबर 3, नॉट नंबर 3 में से बच्चों 4, 5, 6 की एंट्री रिसीव होगी। उसके बाद बच्चों जनरल एंट्री नंबर 7 मेड फ्रॉम नॉट वर्किंग, वर्किंग में से बच्चों जो आपने काम किया उसमें से आपको लास्ट एंट्री रिसीव हो जाएगी। यानी जो तीनों टेबल है बच्चों उसका यूज हमें एंट्री के लिए करना है, यही जो टेबल है बच्चों आपको मार्केट से अलग कर देंगे, जिसके लिए बुक में कोई इंफॉर्मेशन है, 3 नॉट और एक चौथा फोरफिट है, इसके थ्रू मैं आपको पूरा प्रोरेटा जो सबसे टफ पड़ता है सेमेस्टर वन में बच्चों आपके लिए सबसे इजी बना दूंगा। और यहाँ बच्चों कोई वर्ड आपको डाउटफुल लगे तो मटेरियल कॉपी में सारे टेबल मैंने दिए हुए, मटेरियल कॉपी में एंट्रीज और टेबल बच्चों आपको मिल जाएंगे। ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों मटेरियल कॉपी में से हम अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन, जिसका पीडीएफ कॉपी मैंने यह रखा हुआ है। क्वेश्चन वन, द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ सुनैना लिमिटेड कंसिस्ट 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, एक सुनैना नाम की कंपनी है बच्चों जिसमें 1 लाख शेयर 10 रुपीज वाले हैं, जिसका एलोकेशन ऑन एप्लीकेशन 1.5, अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 4, फाइनल कॉल 2.5, टोटल करेंगे बच्चों तो एग्जैक्ट 10 रुपए हो रहा है। यानी ये क्वेश्चन के अंदर ना फेस वैल्यू है, सॉरी ना प्रीमियम है बच्चों, ना डिस्काउंट है। आगे 10,000 शेयर्स हेल्ड बाय अंबालाल वेयर फोरफिटेड इन जनवरी, अंबालाल नाम का एक पर्सन बच्चों जिसने फाइनल कॉल के ऊपर 10,000 शेयर पे पैसे नहीं भरे उसके से जब्त हुए, तो 10,000 शेयर इनटू फाइनल कॉल 2.5, इतने पैसे शेयर होल्डर ने नहीं भरे। These shares were reissued to Bamansa at 5 rupees. ये share बच्चों फिर से reissue किए गए 5 rupees में Bamansa नाम के person को। Write general entries, आपको इसका entry लिखना है और transaction को record करना है। And what purpose balance of forfeited share account used? और forfeited share account का balance कहाँ use होता है वो बताना है बच्चों। तो इसके हम entry लिखेंगे, 10 rupees face value है, application, first call, allotment, final call और forfeited का पूरा process बच्चों next स्लाइड के अंदर बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नीचे बच्चों आंसर भी लिखा हुआ है जो आप देख सकते हो, इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो शेयर कैपिटल की सारी थियरी पावर पॉइंट में और बोर्ड पे समझने के बाद बच्चों ऑलरेडी थियरी आपने 12th में भी समझी है, अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं पहला बेसिक एग्जांपल जिसके अंदर एप्लीकेशन और रिसीव से बच्चों प्रोरेटा अलॉटमेंट में नहीं आ रहे, यानी ये बेसिक क्वेश्चन है आगे का 11th 12th कॉमर्स का रिवीजन, ठीक है। मटेरियल कॉपी में आओगे बच्चों सब नंबर वन सुनैना पेज नंबर 60 आप देख सकते हो, जो मटेरियल का कॉपी मैंने दिया है बच्चों उसमें पहला बेसिक क्वेश्चन ऐसा रखा है जिसमें आपका वर्क रिवाइज हो जाए, तो ये मटेरियल कॉपी में से मैं रीडिंग करूंगा, आप लोग मटेरियल कॉपी साथ में रखना और मैं बच्चों आगे उसका पीडीएफ का फोटो भी रख दूंगा, ठीक है। चलो ऑथराइज कैपिटल ऑफ सुनैना कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, The company issued all the shares in 2010. एक सुनैना नाम की कंपनी है बच्चों जिसने 1 लाख शेयर ऑथराइज किए 10 रुपीज प्राइस। ऑन एप्लीकेशन अर्जी वक्त 1 रुपया, ऑन अलॉटमेंट मंजूरी वक्त 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए, फाइनल कॉल 2.5 रुपए। पैराग्राफ
10,000 शेयर्स हेड बाय श्री अंबाला, अंबाला नाम का एक बंदा है बच्चों, जितने 10,000 से रखे हुए थे, वेर फोरफिटेड इन जनवरी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अंबाला ने 10,000 से ऊपर छेलो अब तो भरो नहीं। आगे जाते हैं, और दिस शेयर्स वर इशू टू बमन साइड रुपीस 5, बमन सा नाम के बंदे को 5 रुपए में इशू किया। राइट अ जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड स्टेट व्हाट पर्पस द बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट कैन बी यूज्ड। और फोरफिट अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा वो आपको बताना है। ये 12 कॉमर्स का पूरा समय बच्चों, फिर से एक बार गुजराती में समझा देता हूं। सुने ना कंपनी ने 1,57,000 मुरीदी शेयर बाहर पड़ा, अब कुछ बोला नहीं है बच्चों, तो 1,00,000 शेयर इश्यू किए थे, एप्लीकेशन अर्जी भी 1,00,000 मिली होगी, अर्जी होते ₹1.5, मंजूरी होते ₹2, पहलो हफ्ते 4, चौथा हफ्ता ₹2.5, टोटल करो तो एग्जैक्ट ₹10 हो रहा है। ₹10 से शेयर इश्यू किया, यानी फेस वैल्यू, नथिंग प्रीमियम, नथिंग डिस्काउंट। अब इसकी एंट्री लिखनी है जो बच्चों 12th में आपने किया हुआ है, ठीक है, देखते कैसे वर्क होता है। ध्यान बोर्ड पे सबका, अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। नजर बोर्ड पे मित्रों, चलो इसके बाद लेंगे बच्चों डेंजरस पर्टिकुलर्स, थोड़ी जगह रखते बच्चों जिससे आपको एंट्री लिखने में आसानी हो। फिर बच्चों लेजर फोलियो नंबर, याद आ रहा है खापा बोलते थे गुजराती में, फिर डेबिट और फिर बच्चों लेंगे क्रेडिट। चलो इस प्रकार से हमें एंट्री स्टार्ट करनी है बच्चों, ठीक है, जहां जगह कम पड़ेगी बॉर्डर अप करके मैं फिर से लिखूंगा। अब एंट्रीज का क्रम बच्चों ऑलरेडी पावर पॉइंट में आ चुका है और आप भी पढ़े हुए, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में कौन सी एंट्री होगी, तो वर्किंग के साथ समझा रहा हूं। एक नंबर, When application money received, गुजराती में से बोला जाता है अर्जिना नाणा मणि त्यारे, सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का मनी मिलेंगे। अब यहां बोला नहीं है बच्चों शेयर कितने हैं, तो हमें 1,00,000 शेयर समझना है। अर्जी ने बाहर पड़े बनने से मजे 1,00,000 शेयर पे अर्जी की प्राइस ₹1.5 है, तो पैसे मिले तो हम क्या एंट्री करते दिया सबको, पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ब्रैकेट में 1,00,000 शेयर इनटू 1.5 रुपीस प्राइस। 1,00,000 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी आई थिंक 1,50,000। गुजराती में आप बोलते थे अर्जिना नाणा मणि त्यारे, बैंक खाते उधार दे शेयर अर्जी कर दे, थोड़ा बच्चों में गुजराती एक बार इसमें रिपीट करूंगा तो कई बच्चे गुजराती में हमेशा आए पर आपको इंग्लिश याद रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, अब ये गुजराती में बाबत जी बोलते थे इंग्लिश में नरेशन, नरेशन की जगह पे यहां हेडिंग लिखना बच्चों जिससे एंट्री याद रह जाए। सेकंड एंट्री, अब बच्चों एप्लीकेशन के पैसे ट्रांसफर होंगे, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब नियम क्या है बच्चों, जो भी एप्लीकेशन के पैसे वो कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, उसे कंपनी को प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला है। एप्लीकेशन के पैसों के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट है शेयर कैपिटल, तो अब कंपनी अर्जी के पैसे शेयर कैपिटल में ले जाएगी, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वैल्यू सेम बच्चों 1,50,000, 1,50,000। यानी आज से बच्चों कोई भी समूह अर्जी लगाना पड़े, बैंक खाते उतार के अर्जी खाते, अर्जी खाते उतार के मुड़ी खाते, इंग्लिश बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये बेसिक एंट्री हुई, थोड़ा हमें याद इंग्लिश में रखना है। अब तीन नंबर से क्या होगा बच्चों, अब जिन्होंने एप्लीकेशन की होगी उसमें से कंपनी छान छान के लोगों को शेयर अलॉट करेगी, यानी क्या शेयर मंजूर करवा, तो इसके बाद की जो प्रोसेस है बच्चों कंपनी को बताएगी किसको शेयर अलॉट करना है, तो उसके बाद कंपनी हर एक एंट्री में पहले पैसे ले जाएगी शेयर कैपिटल में, अलॉट के पैसे, अलॉटमेंट के पैसे ले गए कैपिटल में, फर्स्ट कॉल के पैसे ले गए कैपिटल में, फाइनल कॉल के पैसे ले गए कैपिटल में, और फिर पैसे रिसीव करने की एंट्री करी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, पैसा मंगा गया मड़ी गया। तो तीसरी एंट्री का हेडिंग आएगा व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अर्जिना नाणा मंगावाए त्यारे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मंजूरी खाते उधार ते मुट्ठी खाते, कितने शेयर हैं, शेयर की संख्या 1,00,000, प्राइस
तो प्राइस मुझे दिख रही है बच्चों 2 रुपए, 1 लाख × 2 करोगे तो वैल्यू आएगी 2 लाख रुपए, 2 लाख उधार, 2 लाख जमा, 2 लाख। एंट्री नंबर 4, नजर, बॉर्डे, बॉडी, फिक्स वर्ड कंटिन्यू। अब बच्चों लेजर फोलियो वाला लाइन है और जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं बार बार नहीं आप लोग ड्रॉ कर लेना, खापा बोलते हैं उसे कुछ ज्यादा। 4 नंबर में व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव, जब अलॉटमेंट के पैसे रिसीव हो, पैसे रिसीव हो तो क्या एंट्री करोगे बच्चों, पैसा मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री में अमाउंट कौन सी लोगे बच्चों, तो ये धारणा करनी है कि मंजूरी के हमें 2 लाख रुपए मिल गए, बैंक खाते उधार टेक मंजूरी खाते, ठीक है। चलो उसके बाद 5 नंबर में बच्चों सेम प्रोसेस फर्स्ट कॉल के लिए, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पहला हफ्ता ना नाना मंगा हुआ पैसे मंगवाओ तो फिर से क्या एंट्री करोगे, सेल फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में पैसे मंगवाए तो फर्स्ट कॉल कितने का है बच्चों, 1 लाख शेयर इनटू फर्स्ट कॉलिंग प्राइस आप जो पैम्पलेट में आई थिंक 4 रुपए, यस 4 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे तो डेबिट में 4 लाख और डेंजरस क्रेडिट में 4 लाख। 6 नंबर में व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, जब बच्चों आपको फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव हो तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, वैल्यू सेम 4 लाख 4 लाख। आप देख सकते हो बच्चों कि पूरा वर्क रिवाइज हो रहा है, जो भी आपने गुजराती में एंट्री सीखी थी अब वो इंग्लिश में आ रही है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको याद ये रखना है एंट्रीज तो हर सामने सेम रहेगी, बच्चों सामने अमाउंट आती है ना अमाउंट के नाम से तो तुम्हारी अमाउंट रकम करेक्ट होगी। चलो 7 नंबर उसके बाद सेम फाइनल कॉल के लिए, व्हेन फाइनल कॉल ड्यू, बोलो फाइनल कॉल ड्यू तो क्या एंट्री करोगे बच्चों, शेयर फाइनल कॉल छिल्ला हफ्ता खाते उधर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में 1 लाख शेयर और फाइनल कॉल की प्राइस मुझे दिख रही है बच्चों 2.5 रुपए, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,50,000, 2,50,000। पर अब डका किसमें बच्चों, डका ये है कि 2.5 लाख रुपए मैंने मंगवाया पर 2.5 लाख मिले नहीं है। अब मैं लिखने जा रहा हूं 8 नंबर की एंट्री, व्हेन फाइनल कॉल रिसीव। अब बच्चों मैं लाइन नहीं कर रहा हूं, जगह कम पड़ी कर मुझे एक साथ बोर्ड पे सब लिखना है, ठीक है, लाइन नहीं करो आप लोग लाइन में लिखना। फर्स्ट कॉल के पैसे मिले तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। दफला शुरू बच्चों, अब मेरा ध्यान जरा लास्ट करेगा समझे तो ध्यान, 10,000 अंबालाल 4 फीटेड अंबालाल को बच्चों कुछ गड़बड़ हुई उसने छीन लो तो फाइनल कॉल के पैसे नहीं भरे उसके से 4 फीट जब ये इंग्लिश वर्ड है बच्चों बार बार होगा 4 फीट ध्यान रखना तो खुद फीट हो जाओगे, 4 फीट सेल जब्त की है। अब से जब्त किया हो बच्चों तो टोटल 1 लाख शेयर है उसमें से 10,000 शेयर अनपेड है तो वो लेस कर देंगे तो बचे कितने, तो बचे 90,000 शेयर इनटू 2.5, पैसे कितने मिले होंगे बच्चों मल्टीप्लाई कर लो मैं 90,000 इनटू 2.5 2,25,000 यानी एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,25,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,25,000। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा सर 10,000 से रुपए 2.5 रुपए 25,000 नहीं मिले तो बाकी हक तो ना कहवाए कॉल इन एरियर ना कहवाए तो 12 में वैसे एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट 2,25 कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,25 टू फाइनल कॉल बाकी हक का कागज लिखते थे। पर बच्चों बीकॉम लेवल पे आपको कॉल इन एरियर का वैल्यू दिखाना नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है दिखा होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मोस्टली सारे मार्क्स के अंदर डायरेक्ट जो पैसे मिले वही लिखना है, क्लियर हो गया, कॉल इन एरियर लिखने से मार्क बढ़ेंगे नहीं, नहीं लिखने से घटेंगे भी नहीं, ठीक है, हमें डायरेक्ट जो पैसा मिले वही लिखना है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग नेट वैल्यू 225, ठीक है।
अब बच्चों यहां से मैं जो 9 नंबर से काम करने जा रहा हूं उससे पहले एक बार एंट्री देख लो बराबर आप लोग। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन के पैसे मंगवाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन के पैसे कैपिटल में गए, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसके बाद हर एक एंट्री में पैसे कैपिटल में गए, जैसे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसके बाद पैसे रिसीव हुए बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल, यानी एंट्री का क्रम बच्चों याद रखो, पहले 3 नंबर से अरेंज में कैपिटल मिले जाओ, फिर पैसे रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। पहले 2 लेक्चर में बच्चों मेरा मेन टारगेट आपको पूरा ना याद आ जाए, एंट्री का रिदम मेंटेन हो जाए, फिर महावर्क प्रोरेटा का शुरू। अब बच्चों 9 नंबर से थोड़ा हैवी वर्क हो रहा है जो आपको याद नहीं होगा, ध्यान देना। When sales are forfeited, यारे सेल जब्त था है क्या है? एंट्री याद है बच्चों? सेल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट। और 10 नंबर में बच्चों व्हेन सेल्स आर रीइश्यू, फरी बार बार फरी इश्यू करो तो बच्चों क्या होगा, पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और लास्ट में बच्चों व्हेन फॉरफिटेड अकाउंट क्लोज्ड, जब ये अकाउंट बंद करोगे तो क्या एंट्री करोगे बच्चों, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 9, 10, 11 एंट्री है ना बच्चों, धीरे धीरे आपको मेमोराइज होगी और फिर आपका वर्क आपके माइंड में रेडी हो जाएगा, बराबर ध्यान देना बच्चों। अभी एंट्री कैसे होती है हमें देखना है, चलो नजर इस तरफ। सबसे पहले बच्चों जब शेयर जब तो जब तक आपने देखा हर एक एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल में जमा, आपको पैसे वापस देने, क्यों, 10,000 शेयर वाला एक बंदा है अंबाला, अंबाला ने दगा किया छतर बिंडी की बच्चों, उसने पैसे नहीं भरते, उसके से जब तक शेयर कैपिटल में से डेबिट हो गए, निकाल देते 10,000 शेयर किसके, अंबाला के, कौन है अंबा, पैसे हम ये देखेंगे प्राइस, तो यहां ले लिया शेयर की फेस वैल्यू, पॉइंट ऑफ प्राइस 10 रुपए पूरे, 10,000 इंटू 10 1,00,000, टू फॉरफिटेड शेयर में क्या दिया जाता है पता है सबको, पेड अप भरे और इसमें अनपेड, तो मुझे बताएगा फिर अंबाला ने कितने पैसे नहीं भरे, तो अंबाला ने लास्ट 2,50 रुपए नहीं भरे, तो 10,000 इंटू 2.5 करोगे तो कितने नहीं भरे, 25,000, तो भरे कितने, 10,000 इंटू 10 रुपया, उसमें से 2,50 रुपए नहीं भरे तो ऑटोमेटिक भरे कितने, 7,50 ले लो अंबाला, 10,000 इंटू 7,50 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 75,000। तो ये प्रूव कर रहा है बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू, फॉरफिटेड में 7,50 रुपए भरे हुए, 75,000 नहीं भरे हुए फाइनल कॉल में, और वो है 2,50 रुपए। अब बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट पैराग्राफ में दिस सेल्स वर इशूड टू भवन सर, इसे 5 रुपए में इशू किया दूसरे व्यक्ति को, अब जब शेयर इशू करोगे क्या मिलेगा बच्चों, पैसे मिलेगा, व्हेन सेल्स आर इशू बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा पड़े रोकड़ा है कितना शेयर, पूरे 10,000, प्राइस कितनी 5 रुपए, कैसे पता चला, जो लास्ट पैराग्राफ में बोला है 5 रुपए में इशू करें, 10,000 इंटू 5 50,000, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड उसमें क्वेश्चन मार्क, और शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 10 रुपए हमेशा फेस वैल्यू 1,00,000, अब यहाँ 50 है यहाँ 1,00,000 है, यहाँ कितना आएगा बच्चों 50,000, कैसे आया तो 10,000 इंटू 5, और लास्ट एंट्री आ जाओ बच्चों फॉरफिटेड अकाउंट क्लोज करो, जब ती खाते उधार दे बूटी है ना मक्का में, तो ये वैल्यू कैसे आया, ये कुछ याद आ रहा है, जो फॉरफिटेड अकाउंट में जमा है जो कितने 75, उधार कितने 50, 75 जमा है उसमें से 50 कैसे करो, 75 में से 50 गए 25,000, फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000। अब मटेरियल कॉपी में पूरा आंसर लिखा हुआ बच्चों आप चेक कर सकते हो, लगभग आंसर टैली हो जाता है, ये हुआ बच्चों आपका फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो आपने 11 12 कॉमर्स में पढ़ लिया है,
इसमें मेन है जब्त करवा से जब्त फरी बार बोला जब्ती खातू बंद करी मोटी नाम खाते रह गया। तीन एंट्री बच्चों आप लोग 12 कॉमर्स में पढ़े जब उसको मेरी टेक्निक में कन्वर्ट करना है। अब इसमें भी प्रॉब्लम कब आएगा, 10,000 से जब्त हुए और रेशियो 10 हुए, पर 10 के सामने 8 रेशियो होंगे, 5 होंगे, तब आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा बच्चों। तो ये हो गया आपका बेसिक फर्स्ट लेक्चर ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, जिसमें आपने बोर्ड पे थियरी समझी, पावर पॉइंट के अंदर सारी एंट्री देखी बच्चों, एक बेसिक सम देखा। इसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। याद करते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।